नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार वर्मा, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मारा ललितपुर। मैं हिंदी प्रवक्ता, मैं आपके लिए बीएड प्रथम वर्ष हिंदी में टॉपिक हिंदी भाषा की विशेषताएं लेकर आया हूं। आज मैं हिंदी भाषा की विशेषताओं पर चर्चा करूंगा। तो विद्यार्थियों, शुरू हो जाइए आज मेरे साथ हिंदी भाषा की विशेषताएं। तो हिंदी की विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए हिंदी भाषा की उन सारी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। हिंदी भाषा विशाल जनसमूह की भाषा है जो सीमाओं के बंधन तोड़कर आज वैयक्तिक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। वैसे तो प्रत्येक भाषा की विशेषता होती है कि वह व्यक्ति के विचार और मनोभावों को स्पष्ट एवं प्रभावी रूप से व्यक्त करने का एक माध्यम होती है। लेकिन हिंदी भाषा की कतिपय विशेषताएं उसे अन्य भाषाओं से अलग और खास बनाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा जो है, हिंदी भाषा एक विशाल जनसमूह की भाषा है। इसे सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि इसको एक दायरे में बांधना कठिन है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की, असंख्य लोगों की बोलने की भाषा है। मनोभावों को स्पष्ट एवं प्रभावी रूप से व्यक्त करने का एक माध्यम होती है। लेकिन हिंदी भाषा की कतिपय विशेषताएं अन्य भाषाओं से इसकी विशेषताएं अलग हैं, खास हैं। तो आगे चलते हैं। हिंदी का उद्भव, भाषा की जननी। हिंदी भाषा का उद्भव जो है, वो भाषा की जननी देवभाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत। देवभाषा संस्कृत से हुआ है, जो आज भी तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर आधारित औद्योगिकी, कृत्रिम बौद्धिकता आदि में प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा मानी जाती है या मानी जाती रही है। हिंदी भाषा का व्याकरण संस्कृत से ही प्रमाणित है। हिंदी भाषा का जो व्याकरण है वो संस्कृत भाषा से ही प्रमाणित है। जैसे कि पाणिनि जी ने जो सूत्र लिखे हैं, जो व्यंजन, जो स्वर की गणना की है, वही हिंदी में भी उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो संस्कृत का व्याकरण है, हिंदी भाषा का जो व्याकरण है, वो संस्कृत भाषा के व्याकरण से प्रमाणित है। स्वाभाविक रूप से इसके व्याकरणी नियम प्रायः अपवाद रहित हैं, इसलिए स्पष्ट है और आसान है। इसलिए यह स्पष्ट और आसान भाषा है। हिंदी भाषा संस्कृत की बड़ी बेटी कही जाती है। हिंदी की वर्णमाला दुनिया की सर्वाधिक व्यवस्थित माला है। इसमें स्वर और व्यंजनों को अलग अलग व्यवस्थित किया गया है इसके अतिरिक्त
सभी वर्णों को उनके उच्चारण स्थान आदि की विशेषताओं के आधार पर रखा गया है। वर्णमाला में जितने भी स्वर जितने भी व्यंजन हैं उनको सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया है। स्वरों की गिनती व्यंजनों की गिनती कितनी है इनकी एक व्यवस्था है और स्वर का उच्चारण व्यंजनों का उच्चारण उच्चारण स्थानों के आधार पर उनको व्यवस्थित रूप से वर्णमाला में सजाया गया है। उसको कोई भी वर्ण को इधर से उधर नहीं किया जा सकता है। जैसे कि का वर्ण है तो उसको अंगा की जगह नहीं रख सकते हैं या पा वर्ण है उसको का की जगह नहीं रख सकते हैं। जैसी सिस्टम जैसा भी सिस्टम उसमें बनाया गया है उनको वैसे ही सिस्टम से सजाया गया है। अगर एक भी अक्षर इधर का उधर करते हैं तो उनके उच्चारण स्थान उनके स्वर व्यंजन सिस्टमेटिक सब पूरा सिस्टम गलत हो जाएगा। इसलिए उनको ऐसे वैज्ञानिक ढंग से इस तरह सिस्टमेटिक व्यवस्थित वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया गया है कि कोई भी वर्ण कहीं इस दूसरे वर्ण को उसके स्थान पर नहीं रखा जा सकता। ये व्यवस्था वैज्ञानिक है, पूर्णतः वैज्ञानिक व्यवस्था है। हिंदी की वर्णमाला धनात्मक है, ध्वन्यात्मक है। हिंदी की जो वर्णमाला है वो धन्यात्मक है। हिंदी की वर्णमाला जिसमें हर ध्वनि के लिए लिपि चिन्ह हर ध्वनि के लिए लिपि चिन्ह की व्यवस्था है। इस प्रकार यह इतनी समर्थवान भाषा है कि हम जो कुछ भी बोल सकते हैं वह सब हिंदी में लिखा भी जा सकता है। यह इतनी सामर्थ्यवान भाषा है कि हम इसमें जो भी बोलेंगे वो लिख सकते हैं और वो सुन भी सकते हैं और वही हम पढ़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी में कुछ बोला जाता है और कुछ और लिखा जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है। संस्कृत इंग्लिश की तरह इसमें इंग्लिश की तरह व्यवस्था नहीं है कि जो लिखा है इसमें जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा और वही इसमें बोला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।